वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड शांति वैली। गुड मॉर्निंग क्यूटी, गुड मॉर्निंग। कल रात को 10 को यहाँ पे सुखाना पड़ा था। अभी आई एम नॉट रियली श्योर कि ये सूखा है कि नहीं, बट धूप देख के तो लग रहा है कि 3-4 घंटे में सूख चुका होगा। नहीं यार, इट्स ऑलमोस्ट ड्राई, 70-80% ड्राई हो चुका है, लेकिन ये जो रेन कवर है, रेन कवर अभी भी सूखा नहीं है। सो इट्स 23rd ऑफ मार्च डे। लेट्स वेलकम यू ऑल बैक टू द 5th एपिसोड ऑफ माय राइड टू अरुणाचल, ऑफ माय सडन राइड टू अरुणाचल। एंड इट्स टाइम टू पैक आवर स्टफ्स। तो हर रोज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमता है, वो ये है कि व्लॉग को स्टार्ट कैसे करें। तो पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉशियस था ये सब को लेके, लेकिन अभी फ़िलहाल, अभी जैसे हर रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ऑलरेडी 5 दिन हो चुका है, दिस इज़ आवर 5th एपिसोड, 5th डे। तो इन 5 दिनों में मैंने ये सीखा है कि व्लॉग को चाहे किसी भी तरह आप स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए, कैमरा उठाना चाहिए और किसी भी तरह बातचीत करना चाहिए। लास्ट नाइट वी हैड टू कीप आवर मोटरसाइकिल्स ओवर हियर। 23rd ऑफ मार्च टुडे एंड राइट नाउ इट्स 8:06 इन द मॉर्निंग। हम लोग 7:30 को उठ गए थे। ए किधर जा रहे ले? ए तो आज का हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है तवांग। सो फ्रॉम शांति वैली वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स तवांग। शांति से तवांग का डिस्टेंस है अराउंड 150-160 किलोमीटर्स, विच विल टेक अस अराउंड 6-7 आवर्स अगर हम रुक के जाएंगे। और बीच में सेला पास आते हैं, सेला पास में तो डेफिनेटली हम लोग रुकने वाले हैं। और अपना चाय यहाँ पे आ चुका है, थैंक यू सो मच भाई। हाँ, अपनी बनाया कुछ? अरे भाई आप तो एक्सपर्ट निकले भाई। अच्छा तो ट्रिप पे भाई पूछता सी ना भाई, तवांग जाता हम की कितनी भी थकता हूं भाई। हां मेरा तो मन कर रहा है भाई, इधर आने का मेरा तो मन है जाने का। मैं बता रहा हूं, मेरा प्लान है कि भाई यहां पे भी रहने का प्लान है, लेकिन जल्द से जल्द मेरे को तवांग जाने का भी प्लान है। कौन है भाई किसी के पास? नहीं कौन तो नहीं है। एक काम करते हैं, वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो कर ना। हम लोग का जो तवांग जाने का प्लान था उसमें अभी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। ये जो छोटा सा टिश्यू का पेपर है, इसको मैं हाथ में रखूंगा, अपने फिस्ट में रखूंगा। मैं 3 लोगों से पूछूंगा, यहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए हैं, कि कौन से हाथ में ये छोटा सा टिश्यू पेपर है। अगर 2 जन सही गैस करते तो हम लोग तवांग के लिए निकलने वाले, और अगर 2 जन मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी अगर गलत गैस करते तो हम लोग यहाँ पे रुकने वाले। लेफ्ट और राइट, तुमसे मिलना वापस से गलत, तू क्या कर रहा है भाई? सही जवाब। अभी फिलहाल 1 ऑल चल रहा है। ये हम लोग आज यहाँ पे रहने वाले, पूरा चिल मारने वाले। तवांग का प्लान आज के लिए कैंसिल, कल चलेंगे। तो लेट्स सी करने के वाले, होपफुली अगर सब ठीक ठाक रहेगा तो दिरांग मॉनेस्ट्री जाने वाले हम लोग। Alright, so our ride for the day, I mean my ride for the day is KTM Adventure 390, और अपना Rocky को हम वहाँ पे फिलहाल rest करने के लिए छोड़ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दिरांग Monastery। दिरांग जाने में, यहाँ से Monastery जाने में I guess around 40-45 minutes लगेगा max to max, and I'll just update you all with the time. It's 11:02 in the morning right now, and it's 23rd of March, और हम लोग अभी निकल रहे हैं दिरांग के लिए, दिरांग Monastery। सबसे पहले तो अपने को जाना होगा ATM में, कैश निकालना है सबसे पहले। थैंक यू, विजिट अगेन। वापस आ रहे भाई, इसे बोया डोर लगी, बोया था बड़ा सुपसा। ऐसे नजारे आपको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पकड़ के बैठो ब्रदर। This is the fun of adventure motorcycles. Dhiram back to wheelie. No. Dhiram. जो इसके साथ बैठा हूँ।
सामने आपको दिरांग मार्केट देखने को मिलेगा। हम लोग जिस रास्ते से अभी जा रहे हैं वो सीधा आपका निकलेगा दिरांग के मेन मार्केट से। सबसे पहले अपने को एटीएम में जाना है भाई। थैंक यू सर जी। यहाँ पे मोनेस्ट्री का रास्ता खास है, दिरांग मोनेस्ट्री। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। हाँ वो रहा दिरांग मोनेस्ट्री। यहाँ से आई डोंट नो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन फ्रॉम आर नेकेड आई वी कैन डेफिनेटली सी दिस प्लेस। हाँ थूपसंग मोनेस्ट्री दिरांग, थूपसुंग धर्गिलिंग मोनेस्ट्री दिरांग। दिस इज द पार्किंग स्पेस। आप गाड़ी बाइक जितना भी सब कुछ आप यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हो। और वहाँ पे शायद से एक गेस्ट हाउस है। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल दिरांग मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री का नाम है थूपसुंग धर्गिलिंग मोनेस्ट्री। चलो चलते अंदर। First of all, tell me your name. Myself, Master Sangino. I'm studying at this KV school. So, can you please tell me something about this monastery? This monastery is built by one of the great Rinpoche. It's a Buddhist teacher. His name is Thupten Dargeling. This monastery is also written there in front of it. And it is built around 2016, I guess. Okay, it's a newly built monastery, right? Yes, it's newly built. Okay. Thank you so much, brother. Okay, thanks. Thanks. तो मेरे को ये पता चला है कि ये मोनेस्ट्री ज़्यादा साल पुराना नहीं है, बस नया नया बिल्डअप हुआ है। ऊपर से तो नज़ारा और भी ज़्यादा सही लग रहा है यार। पूरा पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहा है, नीचे आपको पूरा दिरांग दिखाई दे रहा है। दूर से देख के ये लगता है कि पूरा गोल्ड से बना हुआ है, लेकिन गोल्ड से नहीं बना हुआ है, ये कलरिंग है। दिस इज कलर्ड, द स्ट्रक्चर्स आर अमेजिंग। यहाँ पे शायद से लोग रहते भी हैं। आई गेस मॉन्क्स दे स्टे ओवर हियर। दीज आर द रूम्स। अब ऑब्वियसली रूम के अंदर तो हम जा नहीं सकते, वी आर नॉट अलाउड, तो जितना हो पा रहे उतना दिखा रहे हैं। दिस इज द मेन मोनेस्ट्री। इसका ब्रांच जो ये कर्नाटका में, जैसा स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे है कर्नाटका में भी वैसा सेम है। सेम है। पूरा आपने किया? Seriously? Wow. Nice to meet you. आपका नाम क्या? Kelgen Sambo. Kelgen Sambo. Mr. Kelgen Sambo, he designed all those things. He made it. जितना भी आप structure देख रहे हो वहाँ पे भी सब आपने किया? सब। Wow. कितना साल लगा बनाने में? ये 12 साल हो गया। सब सर ने बनाया। Hats off to you, man. Also, this monastery has been maintained beautifully. गुड बाय। एडवेंचर के मजे। दिस इज आवर इवनिंग स्नैक्स। शाम तक खत्म हो जाएगा पूरा। ऑलराइट सो आई कैच यू गाइस अप वंस आई रीच आवर टेंट। So back to our tent and back to the place where we are for the past 2 days. It's basically the next day, क्योंकि आज है 24th of March and right now it's 8:55 in the morning. और आज मैं अभी यहाँ पे vlog को end करने वाला हूँ, क्योंकि कल शाम को जब हम लोग पहुँचे यहाँ पे, पहुँचने के बाद right exactly at this place we were having a great time.
यहाँ पे अपना बॉन फायर हो रहा था, यहाँ पे अपने सब भाई लोग बैठ के, और भी कुछ लोग थे बाहर के, वी वर हैविंग अ ब्लास्ट मैन. वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, वी वर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ नेचर, वी वर एंजॉइंग दिस व्यू. गप्पे और अड्डा चालू था अपना. तो उसी बहाने मैं ये भी भूल गया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी और मेरे को व्लॉग भी शूट करना होता है. लेकिन कभी कभी इट्स रिक्वायर्ड, यू नो, कैमरा को थोड़ा सा साइड में रखो और जस्ट बी इन द मोमेंट, जस्ट लिव इन द मोमेंट. तो वही मैंने किया कल. आज हम लोग जाने वाले तवांग के लिए. आज शांति वैली को यहाँ पे अपने को गुड बाय कहना होगा. सो दैट्स इट गाइज, लेट्स कीप दिस ब्लॉग टिल हियर. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन इट एंड शेयर दिस ब्लॉग विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई विल सी ऑल इन माय नेक्स्ट, व्हिच इज एपिसोड नंबर 6, जो कि अभी मैं कुछ ही घंटों के बाद शूट करने वाला हूँ. आई विल सी ऑल इन माय नेक्स्ट. टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड सायोनारा.